चलिए बच्चों फटाफट लाइव हो जाए। आज वोकैब में हम पेयर वर्ड लेकर आए हैं, पेयर वर्ड, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखिएगा। पेयर वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन, ठीक है। ठीक, चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं पेयर वर्ड के बारे में। क्या होता है पेयर वर्ड, थोड़ा सा देखें आप लोग क्या है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, एसेस और एक्सेस। एसेस और एक्सेस में क्या अंतर है? एसेस और एंड एक्सेस, स्पेलिंग में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। एसेस और एक्सेस में क्या अंतर है देखिए जरा। एसेस और एक्सेस, एसेस का मतलब होता है पहुंच। एसेस का मतलब क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एसेस का मतलब होगा पहुंच, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा हिंदी में बोले तो पहुंच, ठीक है, पहुंच। एसेस का मतलब पहुंच, अप्रोच या रीच। और एक्सेस का मतलब होता है एबंडेंस, मोर देन नेसेसरी, ठीक, आवश्यकता से अधिक, अधिकता कह सकते हैं कि अधिकता के सेंस में, अधिकता के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। एक्सेस अधिकता के सेंस में, एक्सेस अप्रोच या रीच पहुंच के सेंस में, एक्सेस अधिकता एबंडेंस मोर देन नेसेसरी, अधिकता के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो एसेस का मतलब होता है पहुंच, अप्रोच या रीच, और एक्सेस का मतलब होता है अधिकता एबंडेंस मोर देन नेसेसरी, ठीक। इसके बाद नंबर टू है एल्टर और एल्टार, ये दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। एल्टर थोड़ा सा स्पेलिंग में अंतर है बच्चों, अंतर स्पेलिंग में, ए एल टी ई आर बदलना, और ए एल टी ई आर एल्टार बलि देवी, इसका मतलब ए एल टी ई आर, इसका मतलब क्या होगा बदलने के सेंस में, बदलना, ठीक है। एल्टार जो होता है प्लेस ऑफ ऑफरिंग इन ए टेम्पल और चर्च, जो टेम्पल या चर्च में प्रेयर करने का स्थल होता है, प्रार्थना करने का, पूजा करने का जो स्थल होता है, वेदी जिसको कहा जाता है, वेदी जिसको हम लोग वेदी कहते हैं। एल्टर का मतलब प्लेस ऑफ ऑफरिंग, प्लेस ऑफ ऑफरिंग इन ए टेम्पल और चर्च, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वेदी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं वेदी, प्लेस ऑफ ऑफरिंग इन ए टेम्पल और चर्च मतलब वेदी, ठीक है, क्या है इसको वेदी कहा जाता है, ठीक है। फटाफट इसको नोट करते चले बेटा, हार्दिक और सुखदेव, ठीक है बेटा, ये पेयर वर्ड है, ठीक। तो एल्टर, एल्टर का मतलब होता है चेंज या करना या बदलना, एल्टर का, एल्टार का मतलब होता है प्लेस ऑफ ऑफरिंग इन टेम्पल और चर्च मतलब वेदी, पूजा करने का जो स्थान होता है, पूजा स्थल कह सकते हो, वेदी कह सकते हो, वो इसकी स्पेलिंग में क्या है ए एल टी ए आर है, ये ए एल टी ई आर होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है एल्यूजन और इल्यूजन, एल्यूजन और इल्यूजन, ठीक है, एल्यूजन और इल्यूजन दोनों में अंतर है। एल्यूजन ए डबल एल यू एस आई एन, एल्यूजन का मतलब होता है संकेत या इशारा, एल्यूजन का मतलब होता है संकेत, संकेत या इशारा, संकेत या इशारा होता है। और इल्यूजन का मतलब क्या होता है आई डबल एल यू एस आई एन अ डिसेप्टिव एफरेंस, एल्यूजन का मतलब भ्रम या धोखा, एल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम या धोखा कह सकते हो, ठीक है, ये इल्यूजन होता है आई डबल एल इल्यूजन, डिसेप्टिव एपीरियंस, डिसेप्टिव एपीरियंस जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे भ्रम, भ्रम या धोखा, ठीक है, भ्रम या
धोखा के लिए, दिव्या राणा इल्यूजन, हाँ यन इल्यूजन ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं अपोजिट और अपोजिट, दोनों की स्पेलिंग में अंतर है, एक है ए डबल पी ओ एस आई टी और दूसरा है ओ डबल पी ओ एस आई टी। अपोजिट जिसको हम विलोम भी कहते हैं, एंटानियम्स भी कहते हैं, वही अपोजिट है ठीक है। तो अपोजिट का मतलब होता है प्रॉपर या सुटेबल, उपयुक्त कह सकते हो, अपोजिट का मतलब उपयुक्त जिसको कह सकते हो, आप कह सकते हो क्या उपयुक्त, सुटेबल ठीक है। और अपोजिट का मतलब स्टैंडिंग इन फ्रंट और कंट्रेरी, मतलब कि विरोधाभास, विपरीत, विपरीत या विरोधाभास, उल्टा भी कह सकते हो, कंट्रेरी भी कह सकते हो ठीक है। तो अपोजिट प्रॉपर या सुटेबल, उपयुक्त, और अपोजिट जो है स्टैंडिंग इन फ्रंट और कंट्रेरी, मतलब विपरीत, विपरीत का सेंस देता है ठीक है, गुड। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। एप्टीट्यूड ए पी टी आई टी यू डी, एप्टीट्यूड अटेंडेंसी होता है, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। और एटीट्यूड का मतलब होता है अ फिक्स्ड हैबिचुअल ट्रेंड और ट्रेंड ऑफ माइंड, मतलब रवैया कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो, रवैया, मनोवृत्ति, रुख, नजरिया, जिसको आप कह सकते हो नजरिया, हिंदी में कह सकते हो नजरिया या रवैया, नजरिया या रवैया, रुख, एटीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है टेंडेंसी, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, क्लियर है यहां तक। एप्टीट्यूड को अभिरुचि भी कहा जाता है, एप्टीट्यूड को अभिरुचि, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं अभिरुचि, अभिरुचि ठीक है, अभिरुचि ठीक। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एसेंट एंड एसेंट, ए डबल एस ई एन टी और ए एसेंट, ए एस सी ई एन टी, ए डबल एस ई एन टी, ए डबल एस ई एन टी, एसेंट और एसेंट, बताएं क्या होगा हिंदी मीनिंग इसका। एसेंट ए डबल एस ई एन टी, एसेंट को सहमति भी कहा जाता है, एग्रीमेंट, सहमति कह सकते हो इसको, क्या सहमति कह सकते हो, सहमति। और जो ए एस सी ई एन टी होता है, इसका मतलब गोइंग अप, गोइंग अप का मतलब चढ़ाई, गोइंग अप का मतलब क्या है, चढ़ाई, आरोहण, गोइंग अप चढ़ाई, पर्वत रोहण भी कहा जाता है, एसेंट, पर्वत रोहण, एसेंट, पर्वतारोहण, इसको आप पर्वतारोहण भी कह सकते हो, पर्वतारोहण, एसेंट और एसेंट, एग्रीमेंट, सहमति, ए एस सी ई एन टी, गोइंग अप चढ़ाई या पर्वतारोहण, पर्वतारोहण ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, ए डबल एस ए वाई, एसे और ई डबल एस ए वाई, फटाफट इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, ए डबल एस ए वाई, अटेम्प्ट, ए डबल एस ए वाई, प्रयास, इसको कह सकते हो अटेम्प्ट या आप हिंदी में क्या कह सकते हो, हिंदी में एस एस को कह सकते हो प्रयास ठीक है, प्रयास कह सकते हो अटेम्प्ट। और ऐसे पीस ऑफ कंपोजिशन, ऐसे जिसको कहते हो निबंध कहते हो, जिसको हम लोग ऐसे बोलते, ई डबल एस ए वाई, पीस ऑफ कंपोजिशन,
ठीक है, मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं, क्या कहते हैं, निबंध। तो इसकी स्पेलिंग ई डबल एस ए वाई है, और ए डबल एस ए वाई ऐसे का मतलब होता है प्रयास, अटेम्प्ट, एफर्ट कह सकते हो, एफर्ट। ठीक है, इसके बाद है एल और एल, ठीक, ए आई एल और ए एल ए, ए आई एल टू बी इल, और एल का मतलब क्या है, ए आई एल टू बी इल, और एल का मतलब होता है ड्रिंक, ए एल ए ड्रिंक मतलब मादक पदार्थ, मादक कह सकते हो, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मादक। और इसका मतलब क्या होता है, ए आई एल का, एल का मतलब टू बी इल, बीमार होने के सेंस में एल, अस्वस्थ, एल ए आई एल अस्वस्थ, और ए एल ई को कहते हैं अ ड्रिंक, मादक, पीने वाला जो ड्रिंक की बात किया जाता है वो, तो ए एल ई एल होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है, स्पेलिंग में भी अंतर है। इसके बाद है आर्क और आर्क, एक है ए आर के, एक है ए आर सी। अब देखिए, अ कवर्ड फ्लोटिंग वेसल मतलब नाव भी कह सकते हो, ठीक, बड़ा जहाज या संदूक जो पानी में तैरता है, आर्क क्या होता है, बड़ा जहाज कहा जाता है, ठीक है, क्या होता है ये, बड़ा जहाज, बड़ा जहाज या नाव, संदूक को भी कहा जाता है आर्क, अ कवर्ड फ्लोटिंग वेसल, बड़ा जहाज या नाव, और आर्क होता है पार्ट ऑफ सर्किल, अ पार्ट ऑफ सर्किल, सर्किल दो बार लिखा गया है, अ पार्ट ऑफ क्या, सर्किल, ठीक है, अ पार्ट ऑफ सर्किल, चाप जिसको कहते हो, जिसको हिंदी में चाप कहा जाता है, आप लोग उसमें पढ़े होंगे, जब सर्किल मैथ में पढ़ा होगा, आर्क जो है मैथ में आर्क होता है, वही आर्क हिंदी में चाप कहते हैं इसको, ठीक है, पार्ट ऑफ सर्किल, पार्ट ऑफ सर्किल, पार्ट सर्किल जिसको कहा जाता है, सर्किल में चाप होता है उसी को कहा जाता है आर्क, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, क्या है, बेल एंड बेल, ठीक, बी ए एल ई और बी ए आई एल, स्पेलिंग में अंतर, ठीक है, एक बी ए एल बेल का मतलब होता है पैकेज ऑफ गुड्स, और एक होता है बी ए आई एल बेल, बेल का मतलब सिक्योरिटी, जिसको जमानत कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जमानत, जमानत को लोग छूटते नहीं, तो बेल होती है उनकी। अब बी ए एल ई बेल का मतलब होता है बंडल कह सकते हो, अब पैकेट ऑफ गुड्स मतलब बंडल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बंडल कहते हैं, क्या, बंडल, ठीक है। अब बी ए आई बेल का मतलब होता है जमानत, सिक्योरिटी, जमानत, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग बर्थ एंड बर्थ, ये तो क्लियर है, बी ई आई आर टी एच, बर्थ जो रेलवे में होता है, अ स्लीपिंग प्लेस इन अ ट्रेन, ट्रेन में जो सोने की जगह होती है, बर्थ सीट होती है, इसकी स्पेलिंग है बी ई आई बी ई आर टी एच, सॉरी बी ई आर टी एच बर्थ, एक होता है बी आई आर टी एच, बर्थ मतलब कमिंग टू लाइफ, मतलब जन्म होना, बर्थ डेट ऑफ बर्थ जैसे आप लोग बोलते हो, तो बी आई आर टी एच यूज करोगे, उत्पन्न होना, कमिंग टू लाइफ, इसका मतलब उत्पन्न होना भी होता है, बी आई आर टी एच, इसको हम लोग कह सकते हैं कि उत्पन्न, उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, ठीक है, अ कमिंग टू लाइफ, अ बी ई आर टी एच बर्थ, अ स्लीपिंग प्लेस इन अ ट्रेन, अ स्लीपिंग प्लेस इन अ ट्रेन, अ स्लीपिंग प्लेस इन अ ट्रेन, अ बी आई आर टी एच बर्थ, अ कमिंग टू लाइफ मतलब उत्पन्न होना, कमिंग टू लाइफ, ठीक है, गुड। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बी ए आर ई और बी ई ए आर, बी ए आर ई, बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड,
अनकवर्ड, ठीक है। अनकवर्ड का मतलब यहां पर जिसे आपने इन्फिनिटिव पढ़ा होगा, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव एक होता है क्या, बेयर इन्फिनिटिव जिसको अनकवर्ड मतलब नंगा जिसको कहा जाएगा, अनकवर्ड, बेयर, बेयर का मतलब नंगा, अनकवर्ड। और B-E-A-R, बियर एज ए वर्ब, ये वर्ब की तरह यूज होगा, टू कैरी आर टू टॉलरेट मतलब सहन करना। बियर का मतलब होता है क्या, हिंदी में कह सकते हैं कि सहन करना, मतलब एज ए वर्ब जो यूज होगा टू कैरी आर टू टॉलरेट, सहन करना। तो ये क्या होगा, B-E-A-R, बियर। अब B-A-R-E, बियर का मतलब होता है, ये बियर और ये बियर है मतलब नंगा, अनकवर्ड, ठीक है। इसके बाद है बीच एंड बीच, इस बीच का मतलब होता है शोर को कहा जाता है, समुद्र में जैसे बीच वगैरह होते हैं, किनारा जिसको कहा जाएगा, ये बीच है। और बी डबल ई सी एच ए काइंड ऑफ ट्री है, जंगली वृक्ष, अ काइंड ऑफ ट्री जिसको हम लोग कहते हैं, ये इसकी स्पेलिंग में अंतर है, ये जंगली वृक्ष है, जंगली वृक्ष होता है, ठीक है। अब बीच का मतलब शोर, बीच का मतलब शोर मतलब किनारा कह सकते हो, ठीक है। इस बीच का मतलब क्या होगा, शोर या किनारा, बीच, बीच शोर या किनारा, बी ई ए सी एच, ठीक। इस तरह से इसके बाद फिर हम लोग आते हैं बैरन एंड बैरन, स्पेलिंग में अंतर, बी ए डबल आर ओ एन और बी ए डबल आर ई एन। एक बैरन का मतलब होता है ए नोबल मैन, नोबल मैन का सेंस देता है, और बी ए डबल आर इन बैरन का मतलब होता है नॉट फर्टाइल, जो उपजाऊ ना, जिसको हम लोग बंजर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनफ्रूटफुल या अनप्रोडक्टिव, जिसको हम क्या कहते हैं, बंजर कहते हैं, ठीक है। और बी ए डबल आर इन, अब बी ए डबल आर ओ एन का मतलब होता है ए नोबल मैन, नोबल मैन होगा, ठीक है, नोबल मैन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्राइडल और ब्रिडल, ब्राइडल और ब्रिडल दोनों में अंतर है। ये है ब्राइडल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू मैरिज, मतलब वैवाहिक, वैवाहिक जिसको कहा जाता है, पर्टेनिंग टू मैरिज, शादी से रिलेटेड, ब्राइडल, ब्रिडल, ब्रिडल पढ़ा जाएगा ये, ब्रिडल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू मैरिज, मतलब कि वैवाहिक, वैवाहिक इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैवाहिक जीवन नहीं होता, वैवाहिक जीवन, ठीक। और इसका मतलब होता है रेंस यूज टू ड्राइव अ हॉर्स, ब्रिडल जिसको हिंदी में कहते हैं लगाम, घोड़े की जो लगाम होती है, देखा होगा, जिससे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, उसको लगाम कहा जाता है, जिससे घोड़े को हम कंट्रोल करते हैं, वो ब्रिडल, B-R-I-D-L होता है, रेंस यूज टू ड्राइव अ हॉर्स, मतलब घोड़े को उससे कंट्रोल किया जाता है, जिसको हम लगाम कहते हैं, ठीक, इससे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हाँ, तो ये मेरा 15 वर्ड को हमने लिया था, ठीक है। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ मैं लिखूंगा और आप लोग एक बार आंसर करेंगे, उसके बाद फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेकर हाजिर हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड। चलिए शुरू करता हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन को जरूर नोट करेंगे आप लोग, ठीक है।
पहला क्वेश्चन मैं इस ले रहा हूं इस तरह से। पहला क्वेश्चन हमने लिखा वन ऑफ माय फ्रेंड्स लिव, नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट डोर टू आवर आंट। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, बी पोस्टमैन टुगेदर हिज हेल्पर्स कॉल ईच मॉर्निंग, ईच मॉर्निंग विथ the letters A, B, C and D। तीसरा है on the top of the hill live a hermit, ठीक है। नंबर फोर है, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर इस तरह से है, द ट्राउजर्स दैट He is wearing is expensive is expensive। इसके बाद है नोर, क्वेश्चन को नोट करते रहें आप लोग। क्वेश्चन नोट करें पहले। चलिए आंसर करें एक बार आप लोग। चलिए बेटा आंसर करें, मुनेंद्र, दिव्या और जितने लोग जुड़े हैं और भी लोग, विकास, आशीष,
फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन हमने नोट किया हुआ है, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस है, देखें आप लोग एक बार आंसर करें। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन है, एक बार आंसर करें। ठीक है, चलिए आंसर करें एक बार आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या होगा? आंसर करें बेटा मुनेंद्र और दिव्या और भी जो लोग, विकास, राकेश, आशीष, आंसर करें। आंसर करें बेटा। ठीक है, फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर वन का क्या होगा आंसर, बताएं आप लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने दिख रहा है, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स लिव नेक्स्ट डोर टू अवर आंट, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा जो गलती है वो बी ऑप्शन गलत है, लिप के स्थान पर लिप्स होगा, क्योंकि वन आपके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होती है, यहां रखिएगा। हमने एक रूल लिखवाया था, ईच आप, एवरी वन आप, इधर आप, निधर आप, वन आप टेक्स प्लूरल नाउन आर प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, द पोस्टमैन टुगेदर द पोस्टमैन टुगेदर हिज हेल्पर्स कॉल ईच मॉर्निंग विद द लेटर, क्या आंसर होगा बताएं? द पोस्टमैन टुगेदर हिज हेल्पर्स कॉल ईच मॉर्निंग विद द लेटर, फटाफट आंसर करें। द पोस्टमैन टुगेदर हिज हेल्पर कॉल ईच मॉर्निंग विद द लेटर। ठीक है, द पोस्टमैन टुगेदर हिज हेल्पर कॉल, अब देखिए हमने एक रूल बताया था कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई एज वेल एज टुगेदर विथ अलोंग विथ इन एडिशन टू, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन आर प्रोनाउन। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई एज वेल एज टुगेदर विथ अलोंग विथ इन एडिशन टू, द वर्ब एग्री विथ फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट नाउन आर प्रोनाउन। तो यहां पर देखेंगे ये पोस्टमैन है और हिज हेल्पर्स, तो वर्ब का प्रयोग टुगेदर से जुड़ा है, तो वर्ब का प्रयोग हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? पोस्टमैन के अकॉर्डिंग, और ये सिंगुलर है इसलिए यहां पर कॉल के स्थान पर बच्चों क्या होगा? कॉल के स्थान पर कॉल्स होगा, कॉल के स्थान पर कॉल होगा, कॉल के स्थान पर कॉल्स का प्रयोग करोगे, क्योंकि पोस्टमैन सिंगुलर है और इसलिए कॉल के स्थान पर कॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए आंसर करें। सुखदेव, दिव्या, मुनेंद्र, आंसर बताएं बेटा, आंसर करें आप लोग। ठीक है, आंसर करें।
क्या होगा? ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव अ हर्मिट। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्रेपोजिशन एक हमने आप लोगों को रूल बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, क्या कि सब्जेक्ट वर्ड नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन। सब्जेक्ट वर्ड कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट वर्ड कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं हो सकता है। जैसे अगर हमने बोला, यहाँ पर हमने इस तरह से बोला, द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी, तो ध्यान दीजिएगा ये आप क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट? इस प्रेपोजिशन का। हमारा ये क्या है, रियल, ये सब्जेक्ट, ये प्लूरल है। इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसीलिए हमने प्लूरल लिखा है। ये प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है, और वो किसका ऑब्जेक्ट होता है, जिस प्रेपोजिशन के बाद आएगा उसी के। देखिए आप, ये बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है, बुक ऑब्जेक्ट हो गई। किसका ऑब्जेक्ट? इस प्रेपोजिशन का। तो हमारा रियल सब्जेक्ट ये होगा। जैसे अगर हम बोलें द कंडीशन ऑफ वीमेन इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। अब देखिए, यहां पर आप प्रेपोजिशन है, तो ये वीमेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका? इस प्रेपोजिशन का। इन प्रेपोजिशन है, तो कंट्री ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका? इस प्रेपोजिशन का। तो हमारा रियल सब्जेक्ट ये है कंडीशन, और ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए ये भी क्या है, सिंगुलर। ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लें, इस रूल को नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। तो सब्जेक्ट वर्ड नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन। जो सब्जेक्ट वर्ड है वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर अब बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, ठीक है, चलिए। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन, दिव्या और मुनेंद्र और कौन है, हिमांशु और सुखदेव। आंसर करें बेटा, आंसर नहीं बता रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन का आंसर बताएं। सुखदेव, दिव्या और मुनेंद्र, ठीक है। तो कहां पर गलती है, किस ऑप्शन में? क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, क्या होगा इसका आंसर? चलिए अब देखिए, यहां पर मैं बता दे रहा हूं, आप लोग आंसर अभी तक आया नहीं, आप लोगों का आंसर देखिए, यहां पर आन क्या है, आन है हमारा प्रेपोजिशन। टॉप क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। किसका? इस प्रेपोजिशन का। आप क्या है? प्रेपोजिशन। हिल क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका? इस प्रेपोजिशन का, ठीक है।
तो यहां पर हमारा रियल सब्जेक्ट ये है, देखिए ये सिंगुलर है तो लिव के स्थान पर लिप्स होना चाहिए, यही गलती है। लिव के स्थान पर क्या होगा? लिप्स, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत है। क्या? सी ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? The trousers that he is wearing is expensive. The trousers that he is wearing is expensive. मेरी आवाज क्लियर आ रही बेटा? एक बार आप लोग मैसेज करें, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? तो एक बार मैसेज सब कोई करे यस करके। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है द ट्राउजर्स दैट ही इज वेयरिंग इज एक्सपेंसिव। यहां से लेकर यहां तक ए ऑप्शन है, यहां से लेकर यहां तक बी ऑप्शन है, यहां से लेकर यहां तक सी है, और यानी का मतलब नो इरर, ये डी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ट्राउजर्स दैट ही इज वेयरिंग इज एक्सपेंसिव। ये कह रहा कि ट्राउजर्स जो वह पहने हुए है बहुत कीमती है। तो ध्यान दीजिएगा ट्राउजर्स इसकी कहानी क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लें। नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल, नाउन ऑलवेज यूज इन प्लूरल, हमेशा नाउन्स ऑलवेज यूज इन प्लूरल, नाउन्स ऑलवेज यूज इन प्लूरल, ठीक है। जैसे ट्राउजर्स है, सीजर्स है, ट्राउजर्स है, सीजर्स है, टॉम्स है, सीयर्स है, प्लायर है, प्लायर्स है, बाइनोकुलर्स है, बाइनोकुलर्स है, स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल्स है, स्टॉक्स है, सूज है, ये सब जनरली प्लूरल में यूज होते हैं, सब जनरली प्लूरल में यूज होते हैं। अगर इनके पहले आप पेयर आपका प्रयोग कर दोगे तब ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे अगर हमने बोला सीजर्स, हमने यहां पर एग्जांपल इस तरह से लिखा कि माई सीजर्स, सीजर्स आर वेरी शार्प, ठीक है। अब फिर हमने बोला अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स हैज बीन बॉट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो सीजर्स, माई सीजर्स आर वेरी शार्प, सीजर्स प्लूरल है इसलिए ये भी क्या है? प्लूरल है। लेकिन सीजर के पहले अगर पेयर आपका प्रयोग कर दोगे तब ये क्या होगा? तब ये जो है तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, अदरवाइज वैसे सारे प्लूरल होते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा। और ये जितने वर्ड हैं इनके अंत में हमेशा यस लगा रहेगा, सबके अंत में देखिए यस लगा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा प्लूरल लेंगे, जब इनके पहले पेयर आपका प्रयोग करके पेयर आप लगा दोगे तब ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जब पेयर आप लगाओगे तब ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। ट्राउजर, सीजर, टोंग, सीयर्स, प्लायर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, सॉक्स, सूज, इस तरह से, ठीक है। तो जनरली ये प्लूरल में यूज होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जब इनके पहले पेयर आपका प्रयोग कर दोगे, जैसे अगर हम बोले अ पेयर ऑफ सूज, हमने बोल दिया पेयर ऑफ सूज आर स्टैंडिंग, अपेयर ऑफ सूज अब इज हो जाएगा, इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, अपेयर ऑफ सूज अब सिंगुलर, पेयर ऑफ सूज सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर सिंगुलर,
ठीक, अब आते हैं तो अब क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग जरा। क्वेश्चन का आंसर करें। तो अब आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, द ट्राउजर्स दैट ही इज वियरिंग, इसमें अपेयर ऑफ नहीं लगा है, तो सिंगुलर, अपेयर ऑफ लगा होता तब सिंगुलर वर्ब देता, लेकिन पेयर ऑफ नहीं लगा है इसलिए सिंगुलर नहीं लेगा। तो द ट्राउजर्स दैट ही इज वियरिंग, ही के साथ तो इज लगता है, ये सही है, ही के साथ तो इज आएगा, बिल्कुल सही है। तो गलती फिर कहाँ है, गलती हमारी जो है यहाँ पर है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर क्या होगा, इज के स्थान पर आर आएगा, यहाँ पर इज के स्थान पर, इज के स्थान पर आर आएगा। इज के स्थान पर आर क्यों आएगा, क्योंकि ट्राउजर्स जो है प्लूरल होता है। क्या एक्सपेंसिव है, क्या एक्सपेंसिव है, ट्राउजर एक्सपेंसिव है, क्या एक्सपेंसिव है, ट्राउजर एक्सपेंसिव है, तो ट्राउजर प्लूरल है तो आर आएगा प्लूरल। अगर अपेयर आप लग जाएगा तब वो सिंगुलर लेगा, अगर इसके पहले अपेयर आप लग जाएगा तब सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर आर फ्यू पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट टूडे। ये कह रहा कि आई हैव नो प्रॉब्लम, समस्या नहीं है क्योंकि आज कंपार्टमेंट में पैसेंजर कम है। आज पैसेंजर कम है इसका मतलब कल ज्यादा थे, क्योंकि तुलना हो रही है ना। जैसे अगर हम क्लास में आए और बोले कि आज बच्चे कम हैं, इसका मतलब कल ज्यादा थे, हमने कल से तुलना कर दिया है। तो यहां पर ये कह रहा कि आई हैव नो प्रॉब्लम एज देयर आर फ्यू पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट टूडे। आज समस्या नहीं है क्योंकि कंपार्टमेंट में पैसेंजर कम है, इसका मतलब कि तुलना कर रहा है। तो यहां पर फ्यू के स्थान पर क्या होगा, फ्यूअर यूज होगा, फ्यू के स्थान पर हम फ्यूअर का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, फ्यू के स्थान पर फ्यूअर, ठीक, क्योंकि तुलना कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो कल भी हम पेयर वर्ड के साथ ग्रामर को भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, पेयर वर्ड के साथ मतलब ग्रामर और वकैब दोनों चलेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, जय हिंद। और पेयर वर्ड अभी लगभग एक हफ्ता में चलाऊंगा इसको, जो है पेयर वर्ड एक हफ्ते चलेगा, और पेयर वर्ड के साथ साथ ग्रामर भी चलेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, जय हिंद।